हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 6. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर बाय मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो यहाँ हमें इनका कंपेयर करना है. पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाकर इसका, तो देखिए कैसे करेंगे. 7.4 2/3 एंड 3/4. तो सबसे पहले हम इसके आगे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे. तो देखिए 2 का 4 होता है, 2 2 ज़ 4 और 3 2 ज़ 6, और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 3 2 ज़ 6, 3 3 ज़ 9, फिर 4 का 4 2 ज़ 8, 4 3 ज़ 12, फिर 5 का 5 2 ज़ 10, 5 3 ज़ 15. अब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, 2 3 ज़ 6 और 2 4 ज़ 12, सॉरी 2 4 ज़ 8, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ 9, 3 4 ज़ 12. तो आप देख सकते हैं यहाँ जो डिनोमीटर, जब तक आपका डिनोमीटर सेम ना जाए तब तक इसके इक्वल फ्रैक्शन बनाने हैं. तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ गया. तो इनके दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन ले लें, 8/12 और इसका आया है हमारा 9/12. तो आप देख सकते हैं कि ये तो सेम हो गया, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो कौन सा बड़ा है हमारा, 9. तो हमारा जो ये किसका है हमारा, 2.3 का. तो हमारा बड़ा कौन सा हो गया, 3/4. सो इस तरीके से इसका कंपैरिजन करेंगे. इसका एक और बता दी मैं आपको, सी 5/8 और 1/2. ये हमें दो नंबर्स दिए हैं. पहले इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, 5 2 ज़ 10 और 8 2 ज़ 16. यहाँ 2 4 3 6 4 8 5 10 6, 6 2 ज़ 12. हमें जो डिनोमीटर है वो सेम लाना है, यानी हमें कम से कम 16 तक जाना है. तो 6 7 7 2 ज़ 14, 8 1 ज़ 8 8 2 ज़ 16. तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका क्या है, 8/16 और इसका आया 10/16. तो 10/16 ग्रेटर देन होता है 8/16 से. तो यहाँ कौन सा बड़ा होगा हमारा, 5/8 इज़ ग्रेटर देन 1/2. यानी हमें जब तक सेम डिनोमेटर आ जाएगा तब तक लेना है, और फिर जब इन दोनों का कंपैरिजन करना है ऊपर वाले न्यूमरेटर का कि कौन सा बड़ा है. यहाँ आप देख सकते हैं 10 हमारा बिगर नंबर है 8 से, तो यहाँ हमारा कौन सा बड़ा हो गया, 5/8 इज़ ग्रेटर देन 1/2. तो यहाँ आप बी और डी इसका निकालेंगे. नेक्स्ट है कंपेयर बाय यूजिंग द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसमें देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कि 5/6 और 7/8 दिया है. तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ 40 और यहाँ 6 7 ज़ 42. तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, 42. तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन. नेक्स्ट ऐसे ही है बी, 3/5 and 1/2. तो यहाँ 3 2 ज़ कितने हो गए, 6. यहाँ जिस ऊपर वाले न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो साइड में ही 1 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5. तो यहाँ बड़ा कौन सा हुआ, 6. तो यहाँ इसमें हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे इस टाइप से. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट है 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट से लेते हैं. तो यहाँ हमारा जो डिनोमेटर है वो सेम है, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/9. फिर उसके बाद 4/9, 5/9, 8/9,
11 अपॉन 9 एंड 13 अपॉन 9। सो ये हमारा ये है जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो न्यूमरेटर सबसे छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब नेक्स्ट है हमारा बी, यहाँ आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो सेम है तो हम डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होता है एक्चुअली में छोटा होता है, तो इसलिए इसको 1/20, 1/16, 1/9, 1/8, 1/6 एंड 1/4। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सी करेंगे इसका। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ आप इसका हमें उल्टा करना है, यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम सबसे बिग वाले नंबर से लेंगे, तो यहाँ 12/17, उसके बाद 10/17, उसके बाद हमारा 9/17, उसके बाद 8/17 एंड आफ्टर दैट 5/17 एंड 4/17। सो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बी। अब बी में जैसे आपने देखी असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो डिनोमिनेटर अलग अलग थे तो हमने डिनोमिनेटर बिग वाला लिया था, यहाँ हम डिनोमिनेटर स्मॉल वाला लेंगे। तो 1/8, 1/10, 1/14, 1/16, 1/17, 1/22। सो ये हमारे ए बी हो गए। सी आप खुद से सॉल्व करेंगे एज अ बी क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, वर्कआउट इज 5/6 इक्वल टू 25/30। तो यहाँ हमें देखना है कि 5/6 जो है वो 25/30 के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे हमें ये चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई 25/30, यानी इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और वहीं हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई एक से आते हैं, सेम आते हैं, तो ये इक्वल है, नहीं तो नहीं। 5 3 15, तो ये आ गया 150। 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15। तो यही यहाँ देख सकते हैं आप, दोनों ही इक्वल आए हैं तो हम लिख देंगे 5/6 इज इक्वल टू 25/30। तो यहाँ ये इक्वल आया इसलिए। नेक्स्ट अभी हमारा 5/7, 20/21। तो यहाँ भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से। तो 5 1 5 5 2 10, तो ये आ गया 105। 5 का 0 से किया 0, 5 2 10, तो ये देखिए दोनों ही अलग आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 5/7 इज नॉट इक्वल टू 20/21। तो इस टाइप से आपको इक्वल और इक्वल टू देखना है। सो इसका सी एंड डी आप करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मीरा ड्रैंक 1/5 लीटर ऑफ मिल्क, जूलिया ड्रैंक 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, हु ड्रैंक लेस मिल्क। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, मीरा का, और जो जूलिया है उसका कम है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि किसने कम मिल्क पिया, तो देखिए कैसे निकालेंगे। मीरा ड्रैंक 1/5 लीटर, ठीक है, और जो जूलिया है उसने कितना पिया, 1/4 लीटर। सो यहाँ कंपैरिजन करना है तो हम 1/5 एंड 1/4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1/4 का क्या आएगा, 4, और यहाँ 5 का 1 से करेंगे तो इस साइड पर आएगा हमारा 5। तो देखिए कौन सा स्मॉल आ रहा है, ये वाला, तो ये कौन है 1/5 वाला, मीरा। तो मीरा ड्रैंक लेस मिल्क,
क्योंकि सी ए कम आ रहा है, सॉरी साइन इधर जाएगा क्योंकि मीरा का जो मेजरमेंट है वो कम है, तो मीरा ड्रैंक लेस मिल्क। नेक्स्ट है हमारा सेवन, डेविड एक्सरसाइज फोर 5.6 ऑफ एन आवर, पीटर एक्सरसाइज फोर 7/10 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज अ लॉन्गर टाइम। तो यहाँ भी ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे हम सेवन में, तो डेविड एक्सरसाइज 5.6 एन आवर और वहीं है पीटर एक्सरसाइज 7.10 एन आवर। सो यहाँ इसका कंपैरिजन करेंगे 5/6 मल्टीप्लाई 7/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5×10=50 और इधर आ गया 7×6=42। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है 50। तो यहाँ पूछा है हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी लंबे समय के लिए किसने करा, यानी सबसे ज़्यादा किसने करी है, डेविड ने। तो हम लिख देंगे डेविड एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये हो गया हमारा सेवन क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। यहाँ देखिए ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे इसको मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम जो नीचे नंबर दिए हैं हमने एलसीएम सीखा था, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 5, 15, 9 and 10 का। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे, तो इन तीनों में नहीं जाएगा, 2×5=10। ठीक है, एलसीएम निकालना होता है जब भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम ना हो तो, और उनका कंपैरिजन करना हो तो। अब 5 3 से देंगे हम, 3×5=15, 3×3=9 और ये 5 का 5। फिर 3 से देंगे, 5 5 भी रहेगा, 5 5 3×1=3 और 5 का 5। अब 5 से देंगे, 5×5=5, 5×5=5 एंड ये तो 1 है ही है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2×3=6, 6×3=18 और यहाँ 2×3=6, 6×18, 18×5=90। तो यहाँ जो हमारा एलसीएम आया वो क्या आया, 90। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अब सारे जो हमारे नंबर हैं वो लिख लें हम, 4/5, 14/15, 7/9 एंड 3/10। अब चारों में के जो डिनोमिनेटर हैं उससे डिवाइड देंगे हम, यानी पहला डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5, तो जो हमारा एलसीएम आया उसमें डिवाइड देंगे, तो क्या आएगा, 5×5, 4×4, तो 5×8=40, यानी 18 बार डिवाइड गया है। तो हम 4/5 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। पहले हम डिवाइड देंगे, जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, तो 18×4=72 और 18×5=90। नेक्स्ट है हमारा 90 में डिवाइड देंगे हम 15 से, तो 15×6=90 होता है, तो यहाँ हम 14/50 में 6×6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14×6=80 होता है हमारा 84 और 15×6=90। अब 90 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10, तो हम 7/9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70/90 आ गया। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि डिनोमीटर सेम आता जा रहा है, तो अब हम इसको आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं
नेक्स्ट है हमारा 90 में डिवाइड देना हमें 10 से, तो ये आ गया 9। तो 3/10 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 18 और 10/90। सो ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए यहाँ जो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है वो 18 है, तो सबसे पहले कौन सा आ गया 18, उसके बाद आएगा हमारा 70, उसके बाद 72, उसके बाद 84। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर हो गए इसके। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो हमारे ये जो न्यूमरेटर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। देखिए सबसे पहले 18 वाला कौन सा है हमारा 3/10, उससे बड़ा कौन सा है 70 वाला, तो 70 वाला कौन सा नंबर था हमारा 7/9, उसको रख देंगे। उससे बड़ा कौन सा है 72, 72 वाला हमारा क्या है 4/5, उससे बड़ा है हमारा लास्ट 14/15। तो इस तरीके से हम इसको LCM निकाल कर फिर इसके इक्वल डिनोमिनेटर निकाल कर उसको न्यूमरेटर को चेक करके उसका आंसर निकालेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर बी आप सॉल्व करेंगे और इसका सी आपको सॉल्व करना है बिल्कुल सेम एज अ वन नंबर। सो आप समझ ही गए होंगे और अच्छे से इसको देख लें। पहले हमें LCM निकालना है, उसके बाद जो LCM आएगा उसमें 1-1 करके चारों से डिनोमिनेटर से डिवाइड देना है, इक्वल डिनोमिनेटर आ जाएंगे जिस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, फिर उसका कंपैरिजन कर सकते हैं।